बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। बच्चों होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड पे क्वेश्चन बनता है, तो आइए जानते हैं क्या होता है होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा लेकिन कार्बन का नंबर अलग अलग होगा, वो कहलाते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कंटेन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जनरल फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स में कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी और जनरल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। दे आर वेरिड बाय CH2 यूनिट। बच्चों होमोलोगस सीरीज में कार्बन का नंबर अलग अलग होता है, तो कार्बन का नंबर अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर CH2 यूनिट का वैल्यू बदलता चला जाता है। जैसे जैसे आप ग्रेजुअली आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो हायर होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड आएंगे उनमें CH2 का नंबर ज्यादा हो जाता है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड एल्कोहल्स। बच्चों हम ये लोग यहाँ पर एल्डिहाइड और एल्कोहल के लिए स्टडी करेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स की। तो यहाँ पे हमने होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड लिया हुआ है और इधर हमने होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल लिया हुआ है। बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप होता है उनको सिंपली एल्कोहल बोलते हैं और एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O होता है। क्लियर है? यहाँ पे हमने तीन अल्कोहल बनाए हैं, तीनों होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड है और तीनों का जनरल फॉर्मूला यही होगा वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ C एटम। क्लियर हुआ? आप चेक कीजिएगा कि क्या ये तीनों अल्कोहल इस फॉर्मूले को जनरल फॉर्मूले को फुलफिल करते हैं, फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये सबसे छोटा अल्कोहल है। पहली बात, ये अल्कोहल क्यों है? क्योंकि इनके अंदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तीनों अल्कोहल होंगे और तीनों अल्कोहल की प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनमें कार्बन का नंबर लगातार बदल रहा है। कंपाउंड तो सेम है लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है। नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर CH2 यूनिट का वैल्यू चेंज हो रहा है। सबसे छोटा अल्कोहल CH3OH है, आप देख पा रहे हैं। अगला अल्कोहल है CH3CH2OH, तो इसके अंदर कार्बन का नंबर बढ़ गया है। तो यहां पे आप देखें, यहां पे केवल एक कार्बन था, यहां पे दो कार्बन हो गए हैं और ये दूसरा कार्बन जो है ये CH2 फॉर्म में आया है। तो यहां पर CH2 नहीं था पर यहां पे एक CH2 यूनिट बढ़ गया है। अब होमोलोग लेते हैं तो अगला होमोलोग जो कंपाउंड होगा यहां पे इस सीरीज अल्कोहल सीरीज का, उसके अंदर देखिए कार्बन का नंबर 1, 2, 3 हो गया है लेकिन दो CH2 यूनिट हो गया है। क्लियर है? तो सर ये कहलाते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। अगर मैं बोलूं कि अल्कोहल के लिए सबसे छोटा होमोलोग कौन सा होगा तो एग्जांपल रहेगा CH3OH। अगर कोई पूछता है कि CH3OH से नेक्स्ट टू होमोलोग बताइए, जो भी कंपाउंड का होमोलोग पूछा जाता है उसमें एक CH2 यूनिट बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे हमने ये पूछा इसका फर्स्ट कौन सा होगा तो ये होगा, सेकेंड इसका ये होगा। क्या आपको ये क्लियर है? चलिए अब लेते हैं एल्डिहाइड के लिए होमोलोग्स। तो यहां पर हम लोग बात करें एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला CnH2nO होता है और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO लगा होता है वो सब एल्डिहाइड कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे एल्डिहाइड हैं, इनका जनरल फॉर्मूला सेम है, इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है लेकिन इनके अंदर कार्बन का नंबर वेरी कर रहा है। पहले कंपाउंड पहले एल्डिहाइड में एक कार्बन है, दूसरे वाले एल्डिहाइड में दो कार्बन है, तीसरे वाले एल्डिहाइड में तीन कार्बन है और चौथे वाले एल्डिहाइड में चार कार्बन आप देख पा रहे हैं। तो देखिए सर, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, हायर होमोलोग की तरफ जाएंगे तो CH2 यूनिट बढ़ती चली जाती है, CH2 यूनिट बढ़ती जा रही है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन इन सारे के सारे एल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी रहेगी। इन सारे होमोलोग्स में CH2 यूनिट का डिफरेंस है। क्या ये आपको क्लियर है बच्चों? तो अब टाइम है असाइनमेंट का। बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो क्वेश्चन है वो
कुछ क्वेश्चन इस वीडियो से हैं और कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो से हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं। Which of the following does not belong to same homologous series? CH4, C4H8, C2H6, C3H8। बच्चों इन चारों में से कौन सा वो कंपाउंड है जो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी सेम होमोलोग नहीं है। क्लियर है? कंसेप्ट लगाइएगा। नेक्स्ट है बच्चों, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज। बच्चों यहां बताना है कि कौन सा है जो एल्काइन सीरीज का पहला मेंबर होगा, पहला होमोलोग होगा। एथाइन, इथीन, प्रोपाइन, मिथेन। क्लियर? अब नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वॉटर इज ए बी सी डी। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन इज। ऑप्शंस आर हियर ए बी सी डी। बच्चों ये क्वेश्चन बॉन्डिंग से है, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे का मिस हो गया बच्चों वो पहले वाला वीडियो देख ले, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों अब नो टेंशन, क्योंकि आ गया है केमिस्ट्री जंक्शन।